उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में इस बार बनाई गई नई नगर पंचायत कैसरगंज में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में सभी पार्टियों के प्रत्याशी व निर्दलीय प्रत्याशी अपना दम भरते नजर आ रहे हैं। बात की जाए बसपा प्रत्याशी फिरोज हसन शाजू की, तो उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते हुए जीतने के बाद उनको सही कराने की बात कही है। न्यूज 9 लाइव टीवी के लिए मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। कैसरगंज नगर पंचायत बनाई गई है, जिससे आप यहां के प्रत्याशी हैं बसपा पार्टी से, आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो आपका स्वागत अभिनंदन, हमारे कैसरगंज नगर पंचायत में आप आए, और हमारी पूरी नगर पंचायत आवाम को ढेर सारी ईद की शुभकामनाएं भी, हाल में ईद बीती है। देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो अहम अहम मुद्दे हैं हमारे कैसरगंज के, मैं अपनी आवाम से अपील करना चाहता हूं कि बसपा चुनाव निशान हाथी हमारा है, बसपा पार्टी से लड़ रहा हूं, इस पर अपनी कीमती मोहर लगा के पहले तो हमें कामयाब बनाए, क्योंकि जनता जनाधार जब तक नहीं देती है तब तक किसी मुद्दे पर बात करना मुनासिब नहीं है। ये जनता हमें पावर ताकत देगी तो इनका मैं काम करूंगा। देखिए, काम करने के जो हमारी इस भोली भाली जनता को कई बार इनका शोषण किया गया, बहुत सारा इनका शोषण किया गया, गांव में हमारे कभी कोई काम नहीं हुआ। नगर पंचायत हालांकि पहली बार, इसलिए पूरे नगर पंचायत की बात ना करके मैं कहूंगा बहुत सारे लीडरान आए हमारे बीच। हमारे यहाँ जो जल निकासी की समस्या है वो बहुत बड़ी, सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है, और जो हमारा गरीब तबका है उनको पूरी चीज़ जो सरकार देती है जो यहाँ तक आती है बीच में गायब हो जाती है, इनके तक नहीं पहुँचती है। सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है, ये मैं दुरुस्त करूंगा। अगर ये प्यार स्नेह जो आवाम अगर हमें नगर पंचायत का मौका दिया और हमें चुना, तो सबसे पहले जल निकासी की समस्याएं दूर करूंगा। उसके बाद हमारा सवाल है, हमारे कैसरगंज में एक बस स्टॉप नहीं है, दूर दराज से महिलाएं आती हैं और रोड पे खड़ी होती हैं, काफ़ी घंटों घंटों तक खड़ी होती हैं, बसें एक एक घंटा लेट आती हैं, तो बस स्टैंड मेरा एक जो है स्टैंड है, जो बस स्टैंड। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, एक महिला डिग्री कॉलेज की मैं मांग करूँगा। महिला डिग्री कॉलेज हमारे कैसरगंज में नहीं, हमारे घर की गांव की बच्चियां, नगर पंचायत की बच्चियां बहरेज शहर पढ़ने जाती हैं, लखनऊ जाती हैं, बाराबंकी जाती हैं, महिला डिग्री कॉलेज नहीं है। खेल का एक भी मैदान हमारे कैसरगंज में नहीं है। ये हमारा लोकसभा भी है, हमारा विधानसभा भी है, अब नगर पंचायत भी हो गया, उसके बावजूद एक भी खेल का ग्राउंड नहीं है। अगर हमारे हाथ में इस आवाम ने ताकत दिया तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इनको, इन बच्चों को, युवाओं को एक खेल का मैदान दूं जिसमें सारी खेल प्रतियोगिता होती रहे। उसके बाद जो हमारी आवाम का जो शोषण हुआ है, उस आवाम से मैं अपील करूंगा कि एक बार फिरोज हसन पे विश्वास करें। आप लोगों ने बहुत सारे लीडर चुने, आपकी उम्मीदों पे वो खरे नहीं उतरे। हमारे यहाँ विधवा पेंशन नहीं मिल पाती है, विधवा पेंशन हमारे यहाँ नहीं मिलती है, विधवा पेंशन अगर कोई दे रहा है तो उसका नाम कटवा देता है, और बहुत सारी तमाम जो है शिकायतें आवाम की रहती हैं लीडरानों से, वो लीडर आवाम की जो है उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं। तो मेरी अपील है आप सब लोगों से, नगर पंचायत की आवाम से, तो एक बार हाथी वाले निशान पर आगामी 4 तारीख को अपनी कीमती मोहर लगाकर हमारे पार्टी को और फिरोज साजू को विजय बनाएं। हम अगर जीतेंगे, अगर हमारे हाथ में इस आवाम ने ताकत दिया, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इनको, इन बच्चों को, युवाओं को एक खेल का मैदान दूं जिसमें सारी खेल प्रतियोगिता होती रहे। उसके बाद जो हमारी आवाम का जो शोषण हुआ है, उस आवाम से मैं अपील करूंगा कि एक बार फिरोज हसन पे विश्वास करें। आप लोगों ने बहुत सारे लीडर चुने, आपकी उम्मीदों पे वो खरे नहीं उतरे। हमारे यहाँ विधवा पेंशन नहीं मिल पाती है, विधवा पेंशन हमारे यहाँ नहीं मिलती है, विधवा पेंशन अगर कोई दे रहा है तो उसका नाम कटवा देता है, और बहुत सारी तमाम जो है शिकायतें आवाम की रहती हैं लीडरानों से, वो लीडर आवाम की जो है उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं। तो मेरी अपील है आप सब लोगों से, नगर पंचायत की आवाम से, तो एक बार हाथी वाले निशान पर आगामी 4 तारीख को अपनी कीमती मोहर लगाकर हमारे पार्टी को और फिरोज साजू को विजय बनाएं। हम अगर जीतेंगे, अगर हम जीतेंगे तो सबसे पहले हम अपनी तरफ से अगर नगर पंचायत अध्यक्ष बनेंगे तो जो जो सरकारी फीस होती है वही पड़ेगी अपनी तरफ से, कोई आवाम से, कोई गरीब परिवार से किसी भी तरह का पैसा पे नहीं लिया जाएगा। आपकी सीधे फाइट किससे है? देखिए, फाइट तो अभी मैदान में बहुत सारे हमारे निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, पार्टी से भी प्रत्याशी भी हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े लीडर हैं, इन्होंने जनता को नोचा और खसोटा, गोलगप्पे दिए और खुद खा गए, कभी आवाम तक कुछ नहीं पहुँचाया। देखिए, फाइट मैं खुद लड़ रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि मैं ही जीत की कगार पे हूँ। मेरी आवाम जो जनाधार दे रही, जो आप देख रहे हैं इनका प्यार स्नेह देख के, मुझे लग रहा है कि जिसकी फाइट होगी वो मुझसे होगी, मैं किसी से नहीं लड़ रहा हूँ। बीजेपी से जो प्रत्याशी चुनाव में लड़ रहे हैं, उनके पति भी जो है 5 साल जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं, उसके बाद भी विकास नहीं हुआ है कैसरगंज में, ऐसा क्या, क्यों? देखिए,
उनके पिता रह चुके हैं, वो जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। देखिए उनके कार्यकाल में जो हुआ वो सब आवाम जानती है। इतने बड़े बड़े गड्ढे रोड पे थे, बड़े बड़े गड्ढे थे, विकास किसी बड़े लीडर ने नहीं किया। हमारे विधानसभा में जो भी रहा, चाहे वो अभी आज विधायक हैं, सपा के विधायक हैं, कोई काम नहीं करते हैं। आवाम का काम होता नहीं, केवल लॉलीपॉप दी जाती है। बस आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ बड़े बड़े नाम लेके चले आते, इनको लूटते खसोटते अपने एसी वाले कमरे में सो जाते हैं। जनता के लिए कोई नहीं निकलता बाहर। थाने में कोई गरीब पे मुसीबत आती है, कोई भी नहीं जाता है, सब दलाली करते हैं। 10,000 लेके 2,000 दे के 8,000 जेब में रख लेते हैं। ऐसा काम अगर मुझे नगर पंचायत का अध्यक्ष बना तो पूरी ईमानदारी से अपनी जनता का जो भी सरकार निधि में आएगा, जो हम तक आएगा, वो आराम से मैं पहुँचाऊंगा।